नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भतीजी के तिलक में गए चाचा की कानपुर सड़क हादसे में मौत। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र गल्ला मंडी के पास बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक भाई की बेटी के तिलक समारोह में शामिल होने कानपुर गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुत्र कर दिया। परिजनों ने गांव में उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के बतारी के मजरा बाबू खेड़ा निवासी अवधेश कुमार 42 पुत्र पुतीलाल गौतम बंथर स्थित एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। शनिवार को उसके बड़े भाई राजकुमार की बेटी का तिलक था, उसी में शामिल होने बाइक से कानपुर गया था। देर रात वापस लौटते समय गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुत्र कर दिया। परिजनों ने गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। फैक्ट्री कर्मी की मौत पर पत्नी अर्चना का एक बेटा प्रिंस व बेटी जनीफर रो रोकर बेहाल है। रविवार को भाई की बेटी की शादी है। बड़े भाई राजकुमार ने कानपुर के एक होटल में शादी की व्यवस्था की है। बारात में आई पर गमगीन परिजन शामिल नहीं हो सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।